पहले नसरल्लाह और हिजबुल्लाह का नया चीफ यानी साफ है कि इसराइल की सेना पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। इसराइल की इस बारूदी कार्रवाई से हिजबुल्लाह सदमे में है क्योंकि एक के बाद एक उसकी टॉप लीडरशिप को इसराइल की सेना मौत के घाट उतार रही है। डाला हिजबुल्ला का नया चीफ। महज 6 दिन के अंदर हिजबुल्ला के 2 चीफ मारे जा चुके हैं। आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत कैसे हिजबुल्ला के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। 32 साल तक हिजबुल्ला का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्लाह 27 सितंबर को उस वक्त मारा गया जब वो एक इमारत के नीचे बने बंकर में ईरान और हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। नसरल्लाह करीब 60 फीट नीचे एक बंकर में मौजूद था जिस वक्त उसे मारा गया। नसरल्लाह के मारे जाने के 2 दिन बाद उसके ममेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्ला का चीफ बनाया गया, लेकिन चीफ बनने के महज 4 दिन के बाद इजरायली सेना ने उसे भी मार डाला। इन 2 तस्वीरों से साबित होता है कि लेबनान में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां इजराइल हमला ना कर सके। हिजबुल्ला के लड़ाके और टॉप कमांडर इस वक्त ना तो जमीन के नीचे बंकर में सुरक्षित हैं और ना ही जमीन के ऊपर किसी इमारत में सुरक्षित हैं। इजराइल चुन चुन कर हिजबुल्ला के चीफ को मार रहा है। हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन बेरूत में कैसे मारा गया। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक एक खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने 3 अक्टूबर को दक्षिणी बेरूत में जोरदार मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना को पता चला था कि हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्ला के बचे हुए टॉप कमांडरों के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा था। जैसे ही हाशिम सैफुद्दीन गुप्त बंकर में मीटिंग के लिए पहुंचा तब इजरायली वायुसेना के F-35 जेट ने बेरूत में मौजूद इमारत पर हमला कर दिया। इजरायली दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने F-35 फाइटर जेट से इस इमारत के नीचे बने बंकर पर एक के बाद एक 11 मिसाइलों से हमला किया। इजरायल के इस भीषण हमले में हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन मौके पर ही मारा गया और महज 6 दिन के अंदर ही नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मार दिया गया। השלב הבא במלחמה נגד חיזבאללה יתחיל בקרוב, וזה יהווה גורם משמעותי בשינוי המצב הביטחוני ויאפשר לנו להשלים את החלק החשוב של החזרת התושבים לבתיהם. את זה אנחנו נעשה. וכמו שאמרתי כאן לפני חודש, אנחנו נעביר את מרכז הכובד. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स ने खौफनाक प्लान के तहत हिजबुल्ला का सफाया पूरी तरह से करना शुरू कर दिया है और महज 2 हफ्ते में ही इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने हिजबुल्ला की रीढ़ तोड़ कर रख दी है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक अब तक हिजबुल्ला के 21 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक हिजबुल्ला में इस वक्त इजरायल से भीषण जंग कैसे करनी है इसका फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर हिजबुल्ला में बचा नहीं है। नसरल्लाह और साथी सैफुद्दीन के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की हालत एक अनाथ बच्ची जैसी हो गई है क्योंकि हिजबुल्लाह के इस वक्त ऐसा कोई नेता और कमांडर नहीं है जो बचना चाहे यानी आगे की प्लानिंग कर सके, इजराइल से टक्कर लेने में सक्षम हो सके और सोच सके। सिर्फ 96 घंटे जिंदा रहा हिजबुल्ला चीफ हाशिम सैफुद्दीन।
27 सितंबर को हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला मारा गया। नसरल्ला के मारे जाने के बाद 29 सितंबर को हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्ला का नया चीफ बनाया गया था, लेकिन 3 अक्टूबर को इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला चीफ हाशिम सैफुद्दीन और उसके साथ मौजूद हिजबुल्ला के कई कमांडर्स को मार डाला। सिर्फ 4 दिन या कहें कि सिर्फ 96 घंटे में ही हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक हाशिम सैफुद्दीन को मारने के लिए इजरायली वायुसेना ने 73 टन बम और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दक्षिणी बेरूत में हाशिम सैफुद्दीन को बंकर के अंदर गुप्त मीटिंग करना बहुत भारी पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम सैफुद्दीन काउंसिल में शामिल था जो हिजबुल्ला के सैन्य अभियानों का मैनेजमेंट करने का काम करती है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा साल 2017 में हाशिम सैफुद्दीन को आतंकवादी घोषित किया गया था। हाशिम सैफुद्दीन भी अपने भाई नसरल्लाह की तरह ही एक मौलवी था जो खुद को पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता था। हाशिम सैफुद्दीन हमेशा काली पगड़ी पहना रखता था और हिजबुल्ला में टॉप 3 लीडर्स में उसका नाम शामिल था। सैफुद्दीन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज की जहां उसने फिलिस्तीनी लड़ाकों को कहा कि हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट आपके साथ हैं, लेकिन किस्मत का मारा हिजबुल्ला चीफ हाशिम सैफुद्दीन महज 96 घंटे के भीतर ही खुद मारा गया। فام الخفيم اזרחים وسكنا خي اזרחים רבים הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות. אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. गुप्त स्थान पर नसरल्लाह दफन, इसराइल का खौफ। 27 सितंबर को हिजबुल्ला चीफ नसन हसरल्लाह को मारा गया। ईरान की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। इजरायली वायुसेना ने कितना भीषण हमला दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकाने पर किया था, ये उसी वक्त का वीडियो है। दावों के मुताबिक नसरल्लाह को मारने के लिए इजरायली वायुसेना ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था जिसमें जमीन से 60 फीट नीचे बंकर में मौजूद नसरल्लाह को मार डाला गया। दावा किया गया कि नसरल्लाह को मारने के लिए इजरायली वायुसेना ने 80 टन बम का इस्तेमाल किया था। हैरानी की बात यह है कि हमेशा मीडिया और जनता से दूर रहने वाला नसरल्लाह जब मारा गया तो उसकी लाश को आज तक किसी ने नहीं देखा। और हैरानी की बात तो ये भी है कि जब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह को दफन किया गया तो उसकी कब्र के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया। दावों के मुताबिक हिजबुल्ला को डर था कि अगर नसरल्लाह के जनाजे को निकाला जाता है तो इजरायली सेना जनाजे पर हमला कर सकती है, और इसी डर से उसे एक खुफिया जगह पर दफना दिया गया ताकि इजरायल को उस जगह का भी पता ना चल सके। जनरल मारो जंग जीतो, कमांडर मारो कोहराम मचाओ। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में हिजबुल्ला कितने दिन इजरायली सेना के सामने टिक पाएगा। इजरायली सेना हिजबुल्ला में जनरल माने जाने वाले हिजबुल्ला चीफ को चुन चुन कर मार रहा है। वहीं हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर्स को इजरायल की सेना हमला करने का मौका तक नहीं दे रही है। लगभग 300 घंटे से इजरायली सेना पूरे लेबनान में टारगेट किलिंग कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हलेवी का साफ कहना है कि इजरायली सेना के हमले लेबनान में तब तक होते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्ला का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। अगर 300 घंटे से चल रहे इजरायल के हमलों पर नजर डालें तो लेबनान का हाल भी गाजा जैसा होने लगा है। जनाजों का तांता लगना शुरू हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इजराइल के खिलाफ ऐसे युद्ध का ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। खामेनेई ने अरब देशों को एकजुट होकर इजराइल पर धावा बोलने की तकदीर कर डाली है। उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दहलाने का कोड B61 बना लिया है।
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر. السلام علیکم و رحمت الله. مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. کیا اسرائیل بنام عرب ورلڈ یدھ شروع ہو چکا ہے؟ علی خامنئی کے خیمے میں جڑ گئی 22 آرمی. अब अमेरिका तक पहुंचेगी युद्ध की चिंगारी. युद्ध त्रासदी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है. लेबनान में जो बारूद बरस रहा है, जैसी बर्बादी गाजा में दिख रही है, जितनी तबाही अब तक हुई वो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अब महायुद्ध में महाशक्तियों का आना तय हो चुका है. ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसे युद्ध को भड़का दिया है जिसका अंत क्या हो सकता है इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता. ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है. राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि इसराइल धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा. सुप्रीम लीडर के बारूदी भाषण के बीच तेहरान में इसराइल की बर्बादी की कसमें खाई गई हैं. नसरल्ला और इस्माइल हानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने इसराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है. بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم یا ایوب الذین آمنوا. तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद्ध का ये उन्माद खाड़ी मुल्कों को दहलाने जा रहा है. ये हुंकार, ये ललकार सिर्फ इसराइल भर के लिए नहीं है, धमकी अमेरिका को है, यूरोप के उन देशों को है जो इसराइल के साथ हैं और इसराइल को हथियार दे रहे हैं, जो इसराइल के लिए युद्ध के अखाड़े में हैं, जिनके पास एटम बम है. यानी ईरान इसराइल टकराव अब दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये महायुद्ध है जिसमें एक तरफ इसराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड. तेहरान की गलियों से इसराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है. ईरान के सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद से इसराइल और ईरान में युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि खामनेई ने साफ कर दिया है कि इसराइल के खात्मे तक युद्ध चलता रहेगा. ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि इसराइल का वजूद मिटाने तक युद्ध होगा जिसमें सभी अरब देश ईरान के साथ होंगे. दुश्मन मिल्लत ईरान हमन दुश्मन मिल्लत फिलिस्तीन است، हमन दुश्मन मिल्लत लबनान است، हमन दौलत दुश्मन मिल्लत इराक است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است،
دشمن یکیست. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است. मगर कितने देश, कौन कौन हैं जो सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का दम रखता है, कौन है जो एटमी पावर से युद्ध करने की जुर्रत दिखाएगा? खामनेई ने जो लिस्ट बनाई है वो बहुत लंबी है, उसमें कई चौंकाने वाले देशों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन अमेरिका का अलग ही वॉर प्लान है। इसराइल को दुश्मन मानने वाले कई अरब देश हैं, लेकिन युद्ध का जोखिम वो भी न्यूक्लियर वॉर का, सारा मामला यहीं फंस रहा है।